morning friends, welcome you all in a new lecture of CA CMA Inter Financial Management. Financial Management के एक न्यू लेक्चर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है. स्टार्टअप फाइनेंस एक बहुत फैंसी वर्ड लगता है, लेकिन अब ये हमारे CA के सिलेबस में है. जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनल लेवल पर करोगे तो हम ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ाएंगे और प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करेंगे. लेकिन क्यों नहीं, अभी से थोड़ा बहुत इनके बारे में अगर आप जानकारी लेते रहें तो आप भी आगे चलकर कोई अपनी नई कंपनी खड़ी कर सकते हैं, आप भी दुनिया में बहुत नाम कमा सकते हैं. आज हम एक स्टार्टअप की बात करेंगे, फ्लिपकार्ट. 4 लाख रुपए से शुरू किया था इन्होंने, आज इनकी वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ से ऊपर हो गई है. एंड इनकी अभी डीलिंग हुई है वॉलमार्ट के साथ और इंडिया की, इनफैक्ट वर्ल्ड की ऑनलाइन स्पेस में सबसे बड़ी डीलिंग मानी जा रही है. हाउ इट इज पॉसिबल, रातों रात को इतना बड़ा नहीं बन जाता. हम लोग में से ही हैं जिन्होंने इतना अच्छा ये कर पाए हैं, हम लोग में से ही हैं जो इतना अच्छा कर पाएंगे. आजकल इन सब स्टार्टअप के लिए भी प्रॉपर एजुकेशन की जरूरत होती है, किस तरह से शुरुआत की जाती है. और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको ये सब मौका देता है समझने का. अब CA का पुराना स्कोप नहीं रहा ऑडिट एंड अकाउंट, अब ये नई नई चीजें भी कर रहे हैं. अगर ये ऐसा नहीं होता तो हमारे सिलेबस में कभी स्टार्टअप फाइनेंस पढ़ने का हमें मौका नहीं मिलता. तो फ्रेंड ने इस कंपनी को शुरू किया था, सचिन बंसल एंड बिनी बंसल. जब स्टार्टिंग हुई थी इस कंपनी की तो आपको लगता होगा कि बहुत बड़ी बड़ी कैबिन होगी, बहुत बड़ा रिसेप्शन होगा, बहुत एम्प्लॉइज होंगे. ऐसा नहीं होता, जब कंपनी शुरू होती है तो झाड़ू भी खुद मारना पड़ता है. कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम छोटा नहीं होता, याद रखिएगा. अगर आपको अपनी कंपनी को बनाना है तो आपको छोटा से छोटा काम भी करना पड़ेगा. Today it sounds like a fairy tale, but it in their struggling days, the Bansals did everything themselves from the first 6 months from packaging to delivery. मतलब courier का service भी वो करते थे, सामान भी वो खुद इधर से उधर करते थे. मान लीजिए मेरी classes चंडीगढ़ में शुरू हो रही है तो मैं खुद books चंडीगढ़ में भिजवाता था, मैं खुद चंडीगढ़ अपने books लेकर जाता था, because मेरे पास courier के इतने पैसे नहीं थे और कुरियर सर्विस में अवेल नहीं कर पाता था. दे यूज टू राइड ऑन ए मोटरसाइकिल होल्डिंग द आइटम्स इन देयर हैंड. आप सोचिए, खुद डिलीवरी बॉय बन जाते थे, पर्सनली डिलीवर देम टू बेंगलुरु कस्टमर्स. द रीजन बिहाइंड देयर हार्डशिप वॉज कुरियर कंपनी समटाइम्स रिवियर रिलक्टेंट टू पिक अप द शिपमेंट फ्रॉम देयर फ्लैट. फ्लैट में काम शुरू किया था उन्होंने ड्यू टू वेरी लो वॉल्यूम्स. कहता मैं एक दो सामान के लिए आपके फ्लैट नहीं आऊंगा, आप खुद ही सामान डिलीवर कर लो. ये स्ट्रगल होता है, इस स्ट्रगल से आपको आगे निकलना है. इनिशियली द बिजनेस वॉज स्टेटेड विद द सोल पर्पज ऑफ सेलिंग ऑनलाइन बुक्स. पहले सिर्फ ऑनलाइन बुक्स बिकती थी, विद इन नो टाइम इट वॉज एक्सपेंडेड टू वेराइटी ऑफ ऑप्शन इन अदर प्रोडक्ट्स टू. शुरुआत कभी भी बड़ी नहीं होती, शुरुआत हमेशा छोटी होती है. तो एक्चुअल में आपको भी स्टार्टअप करना है तो आपको ये सारे केस स्टडी पढ़ने पड़ेंगे. कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, इनफैक्ट बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है. आज एक छोटे से रूम से इन्होंने बहुत बड़ी कंपनी बनाई और अब आप सोचिए, अगर आप फ्लैट देखेंगे तो 32 करोड़ का सिर्फ फ्लैट है जहां वो रहते हैं. जबकि एक वक्त था जब इनके पास ना फ्लैट था, ना ऑफिस था, ना कोई स्टाफ था. फ्रॉम हैंडिंग बुक मार्क्स टू हैंडलिंग ए मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज, यू कैन ऑल्सो डू इट. आप भी कर सकते हैं. बिग थिंग्स ऑफन हैव स्मॉल बिगिनिंग्स. याद रखिएगा, बड़ी अगर आपको लक्ष्य पाना है तो आपको छोटी शुरुआत करनी पड़ेगी और जल्दी शुरुआत करनी पड़ेगी. कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ खोना पड़ता है, स्ट्रगल करनी पड़ती है. लेकिन इंडिया में इतनी अपॉर्चुनिटीज है कि आप स्ट्रगल करोगे, आप मेहनत करोगे तो आप डेफिनेटली अपने मुकाम तक पहुंच सकते हो. आपको सही डायरेक्शन की जरूरत है, सही गाइड की जरूरत है, सही कोच की जरूरत है. मैं रेडी हूं आपको कोच करने के लिए, मैं रेडी हूं आपके जिंदगी के हर एक पल में, हर एक मोड़ में मैं आपका साथ देने को रेडी हूं. पहला कदम लेकिन आपको बढ़ाना पड़ेगा. आप पहला कदम बढ़ाइए, मैं आपके साथ
कदम के कदम बढ़ाता चला जाऊंगा, आपको कोई भी गाइडेंस की जरूरत है मैं आपको देने को रेडी हूं, बट आपको पहला कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो होपफुली मैं जब भी क्लासेस शुरू करूंगा मैं एक स्टार्टअप स्टोरीज आपको जरूर बताऊंगा, ताकि आप मोटिवेटेड हों और आप भी कुछ करने के लिए आगे आए। और याद रखिएगा सीए सिलेबस में अब स्टार्टअप फाइनेंस आ चुका है, यह हमारे सिलेबस का पार्ट है। हाँ, वो एक अलग बात है कि आप बुकिश लैंग्वेज पढ़कर निकल जाना चाहते हैं, क्या आप प्रैक्टिकली चीजों को समझना चाहते हैं। जिंदगी एक मिलेगी, उसे ऐसा जियो कि आपको वापस जिंदगी ना भी मिले तो आप सेटिस्फाइड रहें कि मैंने एक जिंदगी बहुत अच्छे से जिया है, क्या पता कल हो ना हो। तो मन के हारे हार मन के जीते जीत, कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। तो होपफुली आप अपने लाइफ में एक अच्छा करियर चूज करोगे और फाइनेंस में ही वो करियर हो, मेरा ये इच्छा है और आप भी उसमें आगे आना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आई होप आपको सही गाइडेंस मिले और सही आपको मौका मिले जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। हम भी स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, आप लोगों को लगता है सीए स्टार्टअप शुरू नहीं कर सकता, सीए भी स्टार्टअप शुरू कर रहा है। अब सीए इंस्टीट्यूट स्टार्टअप का एक कमेटी बैठाया है, अभी मुंबई में कॉन्फ्रेंस है स्टार्टअप का और मैंने अपने आर्टिकल्स अपने टीम मेंबर्स को मुंबई भेजा है उस कॉन्फ्रेंस में अटेंड करने के लिए, क्योंकि मैं नहीं जा पाया बिकॉज मेरी यहां क्लासेस चल रही थी। तो आप सोचिए कि सीए इंस्टीट्यूट भी चाह रहा है कि हमारे स्टूडेंट्स स्टार्टअप में आगे बढ़े। तो जब सीए इंस्टीट्यूट ये चाह रहा है, जब आप ये चाह रहे हैं, जब मैं ये चाह रहा हूं, जब दुनिया ये चाह रही है, तो हम क्यों नहीं आगे बढ़े? हम क्यों अकाउंट्स एंड ऑडिट के जंजाल में फंस जाएं? हम क्यों उससे बाहर नहीं निकल सकते? हम क्यों कुछ नया नहीं कर सकते जिंदगी में? हम बिल्कुल नया कर सकते हैं और हम करके दिखाएंगे। ये देखिए ICAI ने स्टार्टअप समिट ओपन किया है और ICAI भी चाहती है कि हमारे स्टूडेंट्स ICAI चाहती है कि हमारे स्टूडेंट्स भी स्टार्टअप करें। तो फिर अब इंतजार किस बात की? हमारी जब इंस्टीट्यूट चेंज करने के लिए तैयार है अपने आप को, जब टीचर भी नए अप्रोच नए सोच से पढ़ा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स वही पुराने सोच के क्यों रहें? उनको भी नई सोच मिलनी चाहिए, उनको भी नए तरीके मिलने चाहिए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। आज हमारे सिलेबस में ये क्यों इनकॉर्पोरेट किया गया है? क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारे सीए स्टूडेंट्स भी इस लाइन में आगे बढ़े। डेफिनेटली सर, आप बोलोगे सर आपने कोई स्टार्टअप शुरू किया है, डेफिनेटली हम भी स्टार्टअप में काम कर रहे हैं। होपफुली जब भी कुछ अच्छा होगा आपको अपने आप इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैं चाहता हूं आप भी हमें असिस्ट करें, आप भी हमें हमारी टीम में आए, आप भी हम लोगों को असिस्ट करें आगे बढ़ने के लिए, आप खुद भी आगे बढ़े और हमारे स्टार्टअप को भी आगे बढ़ाएं। या अपना कोई अगर आपके पास आइडिया है तो आप उसको एक्सप्लोर करें। इसी ब्यूटीफुल थॉट के साथ कि हम जिंदगी में नए नए तरीके आजमाएंगे, हम पुराने तरीकों में आगे नहीं बढ़ेंगे, हम एजुकेशन को प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ेंगे, मैं आज की क्लास शुरू कर रहा हूं।